हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो फ्रॉम अनरैप इम्पल्स। आज के इस वीडियो में हम लोग एक काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट की एक डिटेल्ड अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू देखने वाले हैं। टाइटल में जैसा कि आपने पढ़ा होगा, ये रिसीवर कोई भी वायर्ड ईयरफोन को वायरलेस बना देती है। तो यस गाइस, ये कोई क्लिकबेट कंटेंट नहीं है एंड ये रिसीवर से वाकई में आप ऐसा कर सकते हो। वैसे मैं एक टेक एंड फैशन यूट्यूबर हूँ जो ऐसे ही काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स की एकदम ऑनेस्ट रिव्यूज़ बनाता हूँ। तो वीडियो पसंद आती है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बॉक्स की तरफ आएँ तो इसमें आपको प्रोडक्ट की थोड़ी बहुत डिटेल्स दी गई है। बॉक्स की पैकेजिंग इज समथिंग जो मेरे को अच्छी लगी। मैंने मैग्नेटिक लॉक्स वगैरह दिए गए हैं तो एक काफ़ी प्रीमियम वाली अपीलिंग फीलिंग आती है अनबॉक्सिंग के टाइम पे। बॉक्स खोलें तो सबसे पहले एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिलती है, फिर ये प्लास्टिक को हटा देते हैं और अंदर में देखें तो ये छोटी सी प्यारी सी दिखने वाली रिसीवर दी गई है जो कि हम लोग एक बार साइड में रख देंगे। फिर ये छोटी वाली बॉक्स खोलें तो उसमें आपको ये ब्रेडेड ऑक्स केबल देखने मिल जाती है। चार्जिंग के लिए एक माइक्रो यूएसबी केबल भी दी गई है। मतलब टोटल बॉक्स कंटेंट में आपको ये मैनुअल, एक चार्जिंग केबल, ऑक्स केबल और द एक्चुअल प्रोडक्ट जो कि रिसीवर है वो देखने मिल जाती है। रिसीवर की तरफ आएँ तो ये काफ़ी कॉम्पैक्ट है एंड प्लास्टिक की बनी हुई है। पीछे में क्लिप दी गई है तो आप इसे ईजिली कहीं भी अटैच कर सकते हो। ऊपर की तरफ आएँ तो आपको इसमें माइक, एक चार्जिंग पोर्ट और वो 3.5 mm जैक मिल जाती है। बेसिकली इसका फंडा ये है कि रिसीवर आपके फ़ोन के साथ दूर दूर से कनेक्ट हो जाएगी। अब आप 3.5 mm जैक से कोई भी ऑडियो सोर्स को कनेक्ट कर सकते हो तो फोन्स तक वायर खींचने की झंझट नहीं होगी। आसान शब्दों में बोले तो ये कोई भी ऑडियो सोर्स में ब्लूटूथ इनेबल कर देती है। साइड की तरफ देखें तो आपको पावर और वॉल्यूम कंट्रोल्स मिल जाएगी। इसको ऑन करने के लिए ये पावर बटन को कुछ सेकेंड तक होल्ड करके रखना पड़ेगा तो उसमें ये LED लाइट्स ऑन हो जाएगी। फिर आप जैसे कोई भी नॉर्मल ब्लूटूथ डिवाइस को कनेक्ट करते हो वैसे ही आप इसे अपने फ़ोन के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे फ़ोन के साथ कनेक्ट हो चुकी है। फिर ये रही मेरी ईयरफोन जो सिग्नेचर अकूस्टिक की तरफ से आती है। आप अपनी मनपसंद कोई भी ईयरफोन्स यूज़ कर सकते हो। अब चलिए इसे 3.5 mm पिन ये जैक में फिट कर देते हैं। अब क्योंकि हमने ये रिसीवर को ऑलरेडी फ़ोन के साथ कनेक्ट करा हुआ है तो आप फ़ोन में कोई भी गाना प्ले करेंगे या कुछ भी प्ले करेंगे तो उसकी जो भी ऑडियो है वो ये ईयरफोन से सुनाई देगी। है ना, ये काफ़ी कूल चीज़। कंट्रोल्स की तरफ आएं तो आप सिंगल प्रेस करके इसे पॉज कर सकते हो और अगर वही पावर बटन को डबल टैप करोगे तो कॉल रिडायल में चली जाएगी। वैसे ही वॉल्यूम बटन को लॉन्ग प्रेस करने से प्रीवियस ट्रैक्स में भी जा सकते हो। इसको चार्ज करने के लिए आपको ये माइक्रो यूएसबी केबल से कनेक्ट करना होगा और ये रेड लाइट ग्लो करने लगती है। बैटरी लाइफ की बात करें तो ये एनीवेयर बिटवीन 7 to 9 hours के बीच आपको बैटरी लाइफ देगी, विच इन माई ओपिनियन इज गुड फॉर द प्राइस। ईयरफोन्स के अलावा आप इस डिवाइस को कोई भी ऑडियो सोर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके कार में ब्लूटूथ नहीं है तो आप इसी ऑक्स केबल को अपने कार में फिट करके इसे इजीली म्यूजिक सुन सकते हो और कॉल्स भी ले सकते हो, दैट टू वायरलेसली। चलिए और एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ अपने होम थिएटर के साथ। सबसे पहले मैंने इसी ऑक्स केबल की एक इनपुट इसमें डाल दी है, फिर दूसरी इनपुट को मैं अपने सब वूफर के ऑक्स पोर्ट में डाल देता हूँ। अब होम सिस्टम को एनालॉग मोड में ले जाते हैं। अब क्योंकि मेरी फ़ोन ये रिसीवर के साथ कनेक्टेड है तो मैं जो फ़ोन में जो भी गाना प्ले करने वाला हूँ वो आपको होम सिस्टम से सुनाई देगी। सो एज यू कैन सी, आप अपने वायर्ड म्यूजिक सिस्टम में भी इस डिवाइस से वायरलेसली म्यूजिक प्ले कर सकते हो। इसी साउंड आउटपुट की बात करें तो काफ़ी बढ़िया है। अब एक वायर्ड डिवाइस को वायरलेस कर रहे हैं तो थोड़ी म्यूजिक क्वालिटी डिक्रीज डेफिनेटली होती है, बट जो ये कन्वीनियंस ऑफर कर रही है ना वो बहुत ज़्यादा है। मैंने इसे काफ़ी कॉल्स भी लिए थे तो कॉल क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी मेरे को एंड माइक में किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं देखने मिली। अब इसके थोड़ी बहुत कॉन्स की बात करें तो वैसे कुछ सीरियस वाले नहीं मिले हैं, बट हाँ, इसकी बटन्स की क्वालिटी एंड ओवरऑल बिल्ड थोड़े से और बेटर हो सकते थे। बस इसके अलावा आई डिड नॉट फेस एनी इश्यूज व्हाइल यूजिंग इट। ओवरऑल एक काफ़ी इंटरेस्टिंग गैजेट है एंड अगर आपको इस प्राइस पे परचेस करनी है तो आप अमेजोन से ले सकते हो। इसकी प्राइसिंग अराउंड 1500 rupees है। हाँ, एक ब्लूटूथ रिसीवर के हिसाब से आपको प्राइसिंग थोड़ी सी ज़्यादा लग रही होगी, बट फॉर द फीचर इट ऑफर्स आई थिंक इट्स वर्थ योर मनी। तो अगर आपको अपनी वायर्ड ईयरफोन्स को वायरलेसली यूज़ करना है या फिर कार या होम थिएटर को वायरलेस बनाना है तो आपको ये छोटी सी प्यारी सी दिखने वाली गैजेट काफ़ी काम आ सकती है। बाय द वे, ये जो कंपनी है ना जो ये चीज़ बनाती है, डिपिनश्योर, ये और भी एक्सेसरीज बनाते हैं जैसे कि डाटा केबल्स, वो भी काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसिंग में। तो वो भी मेरे पास है तो उसकी तरफ भी एक थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं।
तो ये काफ़ी कॉम्पैक्ट सी बॉक्स पैकेजिंग में आती है। बॉक्स के अंदर आपको ये केबल मिल जाते हैं, ये 2.4 एम्प के हैं एंड सपोर्ट्स फास्ट चार्जिंग। बट मेरे को इस केबल की सबसे अच्छी बात ये लगी कि ये बिल्कुल यू नो फ्लैट स्टाइल ब्रेडेड फैब्रिक मटेरियल की बनाई गई है, विच इज़ गोइंग टू लास्ट यू रियली लॉन्ग एंड जल्दी से कटेंगे नहीं ऑब्वियसली। आई रियली विश कि फोन मैन्युफैक्चरर्स भी बॉक्स में जो केबल्स प्रोवाइड करते हैं वो ऐसी गुड क्वालिटी की फ्लैट स्टाइल ड्यूरेबल केबल्स हो। प्राइसिंग की बात करते तो ये 300 से 400 रुपए के अंदर डिपेंडिंग अपॉन द टाइप मिल जाती है। इसकी कॉन्स की बात करें तो मेरे को ये जो दोनों साइड में ये रबर की फिनिशिंग दी गई है ना वो इतनी पसंद नहीं है, क्योंकि वो इतनी फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीमियम फिनिशिंग नहीं लगती है एंड सेकंड मेरे को इसकी रबर थोड़ी सी चिपचिप टाइप लग रही थी। बट आई थिंक प्रोडक्ट न्यू है दैट्स व्हाई। ये पूरी मेटल की बनाई हुई होती ना तो पर्सनली मेरे को ज़्यादा पसंद आता। बस इसके अलावा और कोई कॉन्स नहीं देखने मिले इसमें। तो बस गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपके कोई क्वेश्चंस है तो उसे डेफिनेटली नीचे पूछ सकते हैं। ऐसे ही अनबायस्ड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अनरैप इंपल्स।